हमास के हमले के बाद गाजा में जारी इसराइल के पलटवार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने शनिवार को अल सीसी को फोन करके वेस्ट एशिया में बढ़ती असुरक्षा और आतंकवाद को लेकर चिंता व्यक्त की। अल सीसी से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बढ़ते आतंकवाद, हिंसा और खतरे में पड़ी आम नागरिकों की जिंदगी को लेकर उन्होंने चिंता जताई है। इसराइल और फिलिस्तीन का सीधा नाम लिए बिना पीएम मोदी और अल सीसी ने शांति बहाल करने और पीड़ितों को मानवीय सहायता देने के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, कल हमारी बात राष्ट्रपति अल सीसी से हुई है, हमने पश्चिमी एशिया में बढ़ती चुनौती को लेकर चर्चा की। हम दोनों ने आतंकवाद, हिंसा और खतरे में पड़ती मासूमों की जिंदगी पर चिंता जताई। हम दोनों ने ही क्षेत्र में शांति बहाल करने और मानवीय सहायता देने पर सहमति जताई। इजिप्ट की तरफ से भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति अल सीसी के बीच हुई बातचीत पर बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच गाजा पट्टी में चल रहे इजरायली सेना के ऑपरेशन को लेकर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच पूरे क्षेत्र की चुनौती और मासूमों की जिंदगी को लेकर बातचीत हुई। राष्ट्रपति अल सीसी ने इस समस्या के रणनीतिक समाधान और बातचीत पर जोर दिया। बता दें कि 27 अक्टूबर को यूएन में गाजा स्ट्रिप में चल रही कार्रवाई पर प्रस्ताव लाया गया, हालांकि भारत वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि दुनिया भर में आतंकी हमलों पर कोई सफाई नहीं दी जा सकती और इसे किसी भी स्तर पर सही नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रस्ताव का मुद्दा गाजा में आम लोगों की हत्या और उनको मानवीय सहायता को लेकर था। 121 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, तो 14 ने विरोध। भारत समेत 44 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।